हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद उदय चांद। मैं कॉम्पिटेटिव टीचिंग तो करता ही था, आज मैंने स्टार्ट किया है एकेडमिक टीचिंग भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एकेडमिक का जो मुझे नॉलेज है वो भी मैं स्टूडेंट तक पहुँचा सकूँ। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12th एनसीईआरटी का मैट्रिसेस चैप्टर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप लोग पढ़ेंगे आप लोग को मज़ा आएगा, समझ में आएगा। सबसे पहले तो हम लोग मैट्रिक्स में बात करते हैं कि मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन क्या है। मैं बुक से ही आपको पढ़ा दूंगा पूरा, ठीक है? बस आप लोग कुछ मत करना, कॉपी पेन लेके बैठना और पूरी क्लास में एंड तक आप लोग इसको देखना। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 ऐसे करके प्रोवाइड करूंगा, ठीक है? द नॉलेज ऑफ मैट्रिसेस इज नेसेसरी इन वेरियस ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स, ठीक है? मैथमेटिक्स में एक्चुअली मैट्रिसेस का नॉलेज बहुत सारी ब्रांचेस में यूज होता है। मैट्रिसेस आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स इन मैथमेटिक्स, बहुत पावरफुल टूल है, आगे पता चलेगा कि क्यों है पावरफुल। दिस मत देखिए, इंट्रोडक्शन जाना जरूरी है, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि हम जो मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं उस मैट्रिक्स का यूज कहाँ पर होता है। अक्सर हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि यूज कहाँ पर है। दिस मैथमेटिकल टूल सिंप्लीफाइज आर वर्क टू अ ग्रेट एक्सटेंट व्हेन कंपेयर्ड विद अदर स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथड्स। एक्चुअली कभी कभार क्या होता है कि कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथड होते हैं, उनको करने के बजाय अगर हम मैट्रिक्स वाला मैथड यूज करेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। अब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस इज द रिजल्ट ऑफ एन अटेम्प्ट टू ऑब्टेन कॉम्पैक्ट सिंपल मेथड्स ऑफ सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। इस लाइन का मतलब क्या है? द इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का जो कॉन्सेप्ट है उसने जन्म क्यों लिया? क्योंकि कभी कभार क्या होता है, मान लो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ वन वेरिएबल की इक्वेशन है, दो वेरिएबल की इक्वेशन है, दो वेरिएबल हैं दो इक्वेशन है सॉल्व कर लोगे, तीन वेरिएबल हैं तीन इक्वेशन है सॉल्व कर लोगे। तो मैट्रिसेस से क्या होता है ना, बड़े बड़े वेरिएबल्स, अगर मान लो चार वेरिएबल है चार इक्वेशन है तो वहां पर सॉल्व करने में दिक्कत आती है, तो हम लोग मैट्रिसेस का यूज करते हैं। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए मैट्रिसेस का जन्म हुआ था। देखो ये मैथमेटिक्स में होता है, देखो दो तरह की मैथ्स होती है, एक अप्लाइड मैथ्स होती है और एक प्योर मैथ्स होती है। कभी कभार क्या होता है, प्योर मैथ्स में ऐसी डिस्कवरी हो जाती है जिसका फायदा हमको अप्लाइड मैथ्स में मिलता है, ठीक है? तो प्योर मैथ्स में बस फॉर द सेक ऑफ मैथमेटिक्स रिसर्च होती है, और जब वो रिसर्च होती है तो उसका फायदा हमें अप्लाइड मैथ्स में मिल जाता है, ठीक है? इसको स्ट्रोक ऑफ लक भी कह सकते हैं। तो मैट्रिसेस का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो इसलिए बना था ताकि हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सके, ठीक है? सॉरी, द मैट्रिसेस इज नॉट यूज्ड एज अ रिप्रेजेंटेशन, मैट्रिस आर नॉट यूज्ड एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोफिशिएंट्स इन द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं उनमें जो कोफिशिएंट्स होते हैं, जैसे मान लो आपने कोई इक्वेशन लिखी 2x + 3y + 5z, तो x, y, z के कोफिशिएंट क्या है, 2, 3, 5, उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग मैट्रिक्स का यूज करते हैं। लेकिन मैट्रिक्स का यूज उससे भी ज्यादा है, ठीक है? मैट्रिक्स नोटेशन एंड ऑपरेशंस आर यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स फॉर पर्सनल कंप्यूटर। जो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज करते हो, जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स होती हैं वर्डप्रेस, उसमें भी हम लोग मैट्रिक्स का यूज करते हैं, ठीक है? बिजनेस में, साइंस में, से बजटिंग होती है, कॉमर्स वालों को पता होगा, बजट बनाने में भी हम लोग मैट्रिक्स का यूज करते हैं। जो कंपनी सेल्स का काम करती है, सेल्स के प्रोजेक्शन में भी, कॉस्ट के एस्टिमेशन में भी हम लोग मैट्रिक्स का यूज करते हैं, ठीक है? और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, एनालाइजिंग फिजिकल ऑपरेशन सच एज मैग्नीफिकेशन, रोटेशन, जो साइंटिफिक चीज़ें उसमें भी मैट्रिक्स का यूज होते हैं। तो मैट्रिक्स का क्रिप्टोग्राफी में भी यूज होता है, मैट्रिक्स आर ऑल्सो यूज इन क्रिप्टोग्राफी। द मैथमेटिकल टूल इज नॉट ओनली यूज इन सर्टेन ब्रांचेस ऑफ साइंसेज बट ऑल्सो इन जेनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मॉडर्न साइकोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। मतलब देखो, सिर्फ मैथमेटिक्स में यूज नहीं है, जेनेटिक्स में भी कर सकते हो, इकोनॉमिक्स में भी कर सकते हो, सोशियोलॉजी में भी कर सकते हो। तो ये तो बात हुई कि मैट्रिक्स का यूज कहाँ पे होता है। तो इस पैराग्राफ से हमें क्या पता चला, इस पैराग्राफ से हमें पता चला कि मैट्रिक्स का जन्म क्यों हुआ था और मैट्रिक्स को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स होती क्या। इसका एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया गया है। मान लो राधा के पास 15 नोटबुक है, ठीक है? तो हम लोग 15 को ब्रैकेट में अगर लिख दें, ठीक है, 15 को ब्रैकेट में लिख दिया। अगर राधा के पास 15 नोटबुक हैं और 6 पेन है, राधा के पास देखो 15 नोटबुक हैं और 6 पेन है, तो उसको भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे, लेकिन 15 पहले लिखा और 6 बाद में लिखा। तो हम लोग कर क्या रहे हैं यहाँ पर, हम लोग इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम के फॉर्मेट में लिख रहे हैं।
जैसे देखो, जब राधा के पास 15 नोटबुक थी, ठीक है, तो राधा ने उसको एक रो और कॉलम के फॉर्मेट में लिखा, और जब राधा के पास 15 नोटबुक और 6 पेन थे, तब तो भी उसने उसको रो और कॉलम के फॉर्मेट में लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर रहा है, सबसे पहला जो नंबर लिखा जा रहा है वो नोटबुक है, दूसरा नंबर क्या है पेन है, बात समझ में आ रही है। अब जरूरी नहीं कि राधा के अलावा बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, ये इंफॉर्मेशन मैंने तुमको दे दी, ये इंफॉर्मेशन मैंने तुमको दे दी, राधा हैज 15 नोटबुक्स एंड 6 पेन, फौजिया हैज 10 नोटबुक्स एंड 2 पेन, सिमरन हैज 13 नोटबुक्स एंड 5 पेन। तो अब इसका भी हम लोग एक एक इसको अरेंज फॉर्मेट में लिख सकते हैं। देखो ऐसे, ये यहाँ पे नोटबुक लिखो, यहाँ पे पेन लिखो। देखो ये ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन माइंड क्या करता है, इंफॉर्मेशन को अरेंज करके लिखता है। राधा के पास 15 नोटबुक हैं, 6 पेन है, फौजिया के पास 10 नोटबुक हैं, 2 पेन है, सिमरन के पास 13 नोटबुक हैं, 5 पेन है। तो हमने क्या किया, रो और कॉलम के फॉर्मेट में अपने डेटा को अरेंज कर लिया। तो जब भी आप किसी चीज को रो और कॉलम के फॉर्मेट में लिखते हो, रो और कॉलम के फॉर्मेट में लिखते हो, तो उसी को मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसके डेफिनेशन पढ़ेंगे यहाँ पर कि व्हाट इज मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। देखो डेफिनेशन पढ़ना जरूरी है, मैं हमेशा कहता हूँ, बिना डेफिनेशन पढ़े आगे बढ़ोगे कंफ्यूजन होगा बाद में। मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स एक ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे है ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, द नंबर्स और फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। मतलब अगर आप किसी भी डेटा को, किसी भी इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम के फॉर्मेट में लिखते हो तो मैट्रिक्स बन जाता है। जैसे मैट्रिक्स ए को देखो, मैट्रिक्स ए ये, इसमें देखो -250 अंडर रूट 536, ये नंबर है कि नहीं है। लेकिन बी में देखो 2 प्लस आई 3 माइनस 1 बाय 2 3.5। तुमने क्या किया, तुमने इंफॉर्मेशन को रो और कॉलम के फॉर्मेट में लिखा है, तो जब भी तुम उसको रो और कॉलम के फॉर्मेट में लिखते हो तो वो मैट्रिक्स बन जाती है। अब यहां पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है नोट करने की, नंबर और फंक्शंस, मतलब जो भी तुम यहां लिखोगे वो मैट्रिक्स का एलिमेंट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं जीरो क्या है, जीरो मैट्रिक्स का एलिमेंट है, अंडर रूट फाइव क्या है, मैट्रिक्स का एलिमेंट है, ठीक है। एक और चीज, इसके अंदर नंबर्स भी हो सकते हैं, नंबर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है रियल नंबर हो, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं, एलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री भी हो सकते हैं, फंक्शंस भी हो सकते हैं। इन द अबव एग्जांपल्स, अब देखो मैट्रिक्स में क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन को आप रो बोलोगे और वर्टिकल लाइन को कॉलम बोलोगे, तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो सबसे पहली चीज देखो, मैट्रिक्स क्या है, जब भी आप किसी चीज को रो और कॉलम के फॉर्मेट में लिखते हो तो वो मैट्रिक्स बन जाती है। दूसरा, मैट्रिक्स में याद रखना, मैट्रिक्स के अंदर जो भी लिखा है वो मैट्रिक्स का एलिमेंट है। तीसरी बात याद रखना कि मैट्रिक्स के अंदर कुछ भी लिख सकते हो, नंबर, फंक्शन। मान लो अगर मैं आपसे कहूं, क्या हम मैट्रिक्स के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। क्या हम फंक्शन लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो रो और कॉलम का फंडा आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब जैसे मान लो अगर मैं बात करूं ए के बारे में, तो ए में क्या है, 1 2 3, हॉरिजॉन्टल लाइन रो है, वर्टिकल लाइन कॉलम है। तो एक, देखो 1 2 3, तीन रो है, 1 2 2 कॉलम है, तीन रो 2 कॉलम। इस वाले में देखो 1 2 3, तीन तीन रो है, 3 कॉलम है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आंसर क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो बाय कॉलम। अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n। देखो मैट्रिक्स होती क्या है, मैट्रिक्स में रो और कॉलम होते हैं, तो जितने रो हैं, मान लो किसी में 3 रो हैं 2 कॉलम है, तो उसका ऑर्डर क्या होगा, 3/2। अगर किसी में 3 रो हैं 3 कॉलम है, तो ऑर्डर क्या होगा, 3/3। तो ऑर्डर कुछ नहीं होता है, ऑर्डर का मतलब होता है रो बाय कॉलम, पहले रो लिखो फिर कॉलम लिखो। अब यहाँ पे ये इसका मतलब मल्टीप्लाई नहीं है, 3/2 का मतलब उसको लिखने का बस एक तरीका है, 3/2 का मतलब 3 रो हैं 2 कॉलम, ठीक है। अब जैसे इन जनरल मैट्रिक्स ऑफ MN is represented by this। देखो ये हम लोगों ने जनरल मैट्रिक्स लिखी है, जनरल मैट्रिक्स मतलब MN मैट्रिक्स, M by N, ना तो M की वैल्यू पता है ना तो N की वैल्यू पता है। अब जो भी हो सकती है, M की वैल्यू 5 ले लो, N की वैल्यू 4 ले लो, जो मन में आए। अब यहाँ पर देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है, A11 लिखा है, A12 लिखा है, A13 लिखा है, A1J लिखा है, A1N लिखा है, A21 लिखा है, A22 लिखा है। ये क्या है, ये पोजीशन बता रहा है। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉल, A12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉल, A13 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। तो एक चीज याद रखना, मैट्रिक्स के अंदर किसी भी एलिमेंट की यूनिक पोजीशन होती है, ठीक है। मैट्रिक्स में अगर मैं कहूं कि यहां पर कोई नंबर है, यहां पर ये, सॉरी A12 पे, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम उसकी वैल्यू, अब मान लो, जैसे मान लो यहां 5 लिखा है, यहां 5 लिखा है और यहां भी 5 लिखा है,
लेकिन ये वाले पांच की पोजीशन अलग है और ये वाले पांच की पोजीशन अलग है। तो जरा ध्यान रखना कि मैट्रिक्स में हर एक एलिमेंट की यूनिक पोजीशन होती है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ए आई जे से। ए आई जे, आई माने रो, जे माने कॉलम। ऑब्वियसली बात है, आई की वैल्यू 1 से लेकर एम के बीच में होगी, ठीक है, और जे की वैल्यू 1 से लेकर एन के बीच में होगी। कॉमन सेंस वाली बात है, ये देखो, ठीक है। अगर मैं कहता हूं पांच रो है तो आई की वैल्यू, आई रो दिखा रहा है ना, अगर पांच रो है तो आई की वैल्यू 6 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर पांच रो है तो आई की वैल्यू कभी 6 होगी नहीं, और अगर चार कॉलम है तो जे की वैल्यू 4 से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो आई दिखाता है रो को और जे दिखाता है कॉलम को, ठीक है। तो ए आई जे का मतलब आई वाली रो, जे वाला कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट, तो ऑर्डर आप लोग को समझ में आ गया कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर होता है उसको उस तरह से लिखना, ठीक है। अभी हम लोग इसको नेक्स्ट वाले में कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने अभी आपको लेक्चर नंबर 1 में इतना ही सिखाया कि ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। अभी पूरा चैप्टर कवर करेंगे, चिंता मत करो। लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, लेक्चर 4, लेक्चर 5, ऐसे करते करते काफी ज्यादा लेक्चर आपको देंगे, ठीक है स्टूडेंट। चलिए, थैंक यू।